ठीक है। नमस्कार साथियों, गाम राम में आप सबका स्वागत है और हम बाड़समंद उप तहसील में पहुंचे हैं जहां पर एक लंबे समय से मुआवजे को लेकर के धरना चल रहा है। दिखाइए थोड़ी तस्वीर, हज़ारों की संख्या में आप वहीं खड़े रहिए और हज़ारों की संख्या में पहुंचे किसान यहां और भी लगातार पहुँच रही हैं। एक बड़ी कॉल आज किसानों ने की है, आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो किसान हैं, और मामला क्या है? मामला है 2020 और 2021 की खरीफ की फसल का जो मुआवजा मिलना था और इलाके में जो मिला है इन किसानों को नहीं मिला। यही रोष बार बार किसानों ने प्रशासन और शासन के सामने रखा है, लेकिन उनकी मांग नहीं मानी गई है। आज उसी को लेकर के हज़ारों की संख्या में किसानों ने कहा है कि हम हज़ारों की संख्या में गिरफ्तारियाँ देंगे। प्रशासन ने, शासन ने 3-4 बार इनको आश्वासन दिया है और वो आश्वासन पूरा नहीं हुआ है। अब की बार किसानों ने आर पार की जो लड़ाई है वो पूरी करने का मन बनाया हुआ है। हमारे साथ काफ़ी सारे किसान हैं, उनसे बात भी करेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, क्या आज प्लानिंग है किसानों की? आज वो गिरफ्तारी देंगे। अच्छा, जेल से शुरू कराया आंदोलन। कितनी बड़ी संख्या में किसान पहुँचने वाले हैं? 5,000। अच्छा जी। हाँ, 5,000 से भी ज़्यादा? 5,000 से ज़्यादा। हाँ जी साहब, नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी, हमें आज 36 दिन हो गए, 36 दिन से हमारा आंदोलन चल रहा है जी। सरकार हमारी कोई खैर खबर नहीं ले रही है। हाँ, हाँ। इसलिए हमने ये आंदोलन, जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की है। अब हम यहीं से अपना शुरुआत करेंगे आगे की। अच्छा। क्योंकि सरकार सो रही है, जाग नहीं रही है। हाँ, हाँ। इसको उठाने के लिए अब हमें और आगे बढ़ना होगा कदम। आज कौन सा दिन है? आज 36वां दिन है। 36वां दिन। हाँ। है तो कई बार बार मुलाकात भी हुई है, ज्ञापन भी दिए गए हैं, उनका असर हुआ नहीं? नहीं, कोई असर नहीं हुआ। इनको तो जू ही नहीं रेंग रही। अच्छा, ये ऐसी सरकार है, किसान को, मजदूर को, गरीब तबके को दबाने की कोशिश करती है, बस दबा ही रही है। ये सोच रही किसान दबे, आगे ना बढ़े, किसान भूखा मरे। इसलिए 36 दिन हो गए यहाँ पे, हमारे बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहनें सभी, इतनी गर्मी में इतना टेम्परेचर रहता है, रहते हैं सड़कों पे हैं, इतनी गर्मी है, लेकिन इस सरकार का कोई भी नुमाइंदा के ये नहीं पूछता कैसे है, क्या दिक्कत है, काफी लोग बीमार भी हो। 36 दिनों से लगातार यहाँ बैठे हैं, 36 दिन से कई बार वार्ताएं हुई है, यहाँ जो तहसीलदार है उनसे लेकर के सांसद, डिप्टी जो हमारे CM है वहाँ तक, लेकिन कह रहे हैं कि अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से आश्वासन या सरकार की तरफ से ऐसी कोई मांग इनके मानने वाली बात सामने नहीं आई है। हाँ जी भाई साहब, आप क्या कहना चाहोगे? मैं जी, आज हम जेल भरो आंदोलन करेंगे जी, हमारी लाखों हजारों की तादाद होगी जी। अच्छा अच्छा। हाँ, पक्की तो, गिरफ्तारी देंगे जी हम। अच्छा, तो यहाँ कितने गांव से लोग आ रहे हैं? 20 गांव से जी। 20 गांव से? हाँ जी। क्या संख्या होगी? कम से कम 5,000 से ऊपर जी। अच्छा, इतने लोग? हाँ जी। तो ये प्रशासन तक आपने पहुँचाया है कि हम इतनी गिरफ्तारियाँ देंगे? हाँ जी, पहुँचा दिया जी। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, पहले कह रखे जी प्रशासन ने। हाँ जी भाई, 5,000 से 8,000 लोग गिरफ्तारी देंगे। हाँ हाँ, अपना प्रबंध कर लें और पक्की गिरफ्तारी देंगे। अच्छा अच्छा, तो ये जो बार बार बातचीत हुई है नहीं मानने का क्या कारण है? सरकार की तरफ से क्या कहा जा रहा है? सरकार कुछ नहीं कह रही, सरकार तानाशाह हो रही है और किसानों की नहीं सुन रही। कर देती है, मौका देंगे, देंगे। तो बड़ा आक्रोश है किसानों में, सारे के सारे इस एरिया के किसान हैं वो आज इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने आज, और कोई जोर इनके पास चला नहीं, ये कह रहे हैं भी हमारी मजबूरी है, दुख है, दुख प्रकट करना चाहते हैं गिरफ्तारियां देकर के कि हम घर बैठे करेंगे क्या जब हमारे पास हमारे जो मेहनत की कमाई है वो हमें नहीं मिल पा रही है। हाँ जी नमस्कार जी, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? 100% देना चाहिए, सरकार बहुत निकर्मी सरकार है यार। अच्छा, नहीं, इसका जवाब आज दे देंगे हम। ठीक है। महिलाएं भी बड़ी संख्या में आई? बहुत बहुत, रोजाना आती है। अच्छा, रोजाना आने लग रही है और ये दो साइड फुल भर जाए महिलाएं। अच्छा अच्छा। हाँ जी ताऊ जी, के बताओ सरकार, ये भाई बताइए सरकार से जमा गंदी कि मैं दिन याद 32-33 दिन हो गए धरने में बैठे। हाँ। लोग 45-48 डिग्री का इसमें तापमान में बैठे हैं, सरकार में कुछ तो सोचनी चाहिए। तो एक दो बार मुलाकात हुई है डिप्टी CM को भी आपने? हाँ, वो नहीं बोले दिवा दिया 10 दिन का टाइम दिया, बोले वो ओड़ा पहुँचा दी फैल, ओड़ा पहुँचे पूरे कि नहीं आने जानी को नहीं। अच्छा अच्छा, पूरे बैठे हैं गर्मी में, देखो देख ना दे, वो तो उनका काम से, फिर आगे ऐसा कर दिया काम, इन गम में कौन बढ़ दिया। अच्छा अच्छा, अभी जो इनके खिलाफ आपने एक यहाँ से निकाला है, सब ने मन बनाया है गाँव में, हाँ, BJP का कोई सांसद गाँव में नहीं बढ़ेगा। अच्छा, ये 20 गाँव में पक्का कर दिया इलाज। कोई सांसद हो, MP हो, MLA हो, जिला परिषद का, उसने बढ़ने को दिया। तो किसानों ने विरोध भी अलग अलग तरीके से कर रहे हैं, जेल भरो आंदोलन है एक तरफ, दूसरी तरफ जो सरकार के नेता हैं
चाहे वो जेजीपी बीजेपी दोनों के जो सरकार में है उनका भी बहिष्कार किया है कि हम इनको उन नेताओं को हम गांव में घुसने नहीं देंगे। सीधे हम और भी बात करते हैं। राम राम ताऊ जी। अच्छा आज क्या आज आंदोलन कैसे? एक महीनो आठवों नौवों दिन हो रहा है। इतनी गर्मी और सारी इतनी महिला शक्ति रोड आज हमारा गिरफ्तारी का है। अच्छा महिला बच्चे बूढ़ा सारा सारा यहाँ तो पक्की गिरफ्तारी रहे यहाँ नहीं तो इशार जाएंगे। अच्छा बड़ी संख्या में प्रशासन या जो पुलिस अधिकारी है वो भी आए हुए पुलिस आओ चाहे कितने आओ मैं क्या पुलिस कोई डर को नहीं कोई डर को नहीं पुलिस को नहीं देनी है यहाँ लेंगे तो यहाँ देंगे नहीं तो इशार जाके देंगे और पक्की गिरफ्तारी देंगे। अच्छा मतलब आप जेल में बैठ के आंदोलन होगा? बिल्कुल। अच्छा पहले भी हमारे साथ धोखा हुआ चार बरसात बिठा के ले गया बोला आपको ले जाएंगे वो दूध ले जाए छोड़ दिया। अच्छा वो जो भी हमें गाड़ी देगा वो गाड़ी के अंदर रहेंगे नहीं उतरे चाहे तीन दिन हो जाए भूखे पैर से भी रहेंगे। अच्छा, हमारे साथ मजाक कर रखे हैं तो प्रकृति नहीं सो तेल के ऊपर काम रहे हमारे पानी पे नहीं हटता बरसात भी कम होती है और पहन तो सरकार ने किया हमारे साथ अन्याय कर रखे है सारे देश में मुआवजा बट गया हमारे ये 20 गांवों ने क्या इनके कर रखे है क्यों नहीं दिया जा रहा है क्यों नहीं दिया जा रहा है ये प्रशासन था यहाँ का इन्होंने तो 21 के अंदर तो गिरावरी नहीं करी। अच्छा 50 से ऊपर हो तो कुछ मिले इन्हें 25 को कम करी। अच्छा। और इतना नुकसान हुआ बारिश से पकी हुई फसल थी मूंग की ग्वार की नरमे की और सारी कड़की मूंग 2 मन 3 मन 4 मन किला गया फिर भाव को नहीं यही 3 बीघा में बैठा कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा जो फसल बीमा है ना वो तो उनको तो मिल रहा हमें नहीं मिल रहा इतनी बार डीसी से मिल लिया इतनी बार सरकार से मिल लिया और मतलब 3-4 बार पहले भी इस पर धरना प्रदर्शन हुआ धरना था एक आश्वासन दिया गया बीच के अंदर हमने धरना दूध चंद्र का कहने से हटा दिया बस सबसे गलती हमारी होगी है बोले मैं जल्दी दिलवा देगा उनके तो गेटी बंद हो रही जब उनको दर्द आ गया। अच्छा दोबारा 1 महीना 10 दिन हो गया दोबारा मतलब उन्होंने आश्वासन दिया कि आश्वासन दिया मिल जाएगा आप धरना धरना खत्म कर दो और हम आपको मुआवजा देंगे दोनों का 21 का 20 का। तो किसानों का आरोप ये है कि 3 बार हमने पहले धरने दिए और उस धरने पे हमें आश्वासन दिया गया डिप्टी सीएम के द्वारा या और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा परंतु वो माना नहीं गया हमें मुआवजा नहीं मिला इसी को लेकर के अब की बार जो हम बात कर रहे हैं किसानों से इनका मूड या इनका रुख ऐसा है कि बिना मुआवजा लिए अब की बार यहाँ से धरना उठने वाला नहीं है।